तो बच्चों आज हमारी बात होनी है फैमिली ग्रैमनी। देखो फैमिली ग्रैमनी जो होता है, अगर मैं बात करूं फैमिली ग्रैमनी पे बात करूं तो इसमें व्हीट राइस मेज वाले क्या आते हैं, प्लांट आते हैं। अब अगर मैं बात करूं फैमिली ग्रैमनी तो इसका दूसरा नाम होता है पोएसी। क्या नाम होता है? पोएसी नाम होता है। चलो तो सबसे पहले इसके स्पेशल फीचर कुछ हम देखने की कोशिश करेंगे बच्चों। चलो स्पेशल पोजीशन की अगर मैं, सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो बताओ इसके किंगडम का क्या नाम है? हाँ, किंगडम एनिमलिया या प्लांटी? प्लांटी, यस प्लांटी नाम है। चलो उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इसके डिवीजन, तो अगर एनसीईआरटी के हिसाब से मुझे डिवीजन लिखना हुआ, वैसे तो स्पर्मेटोफाइटा बोला जाता है लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से अगर बोलना हुआ तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, ठीक है। चलो अगर मैं क्लास की बात करूं, मोनोकॉटिलेडनी या डाइकॉटिलेडनी? बोल भाई क्या? मोनोकॉटिलेडनी। हाँ यस, मोनोकॉट, व्हीट राइस ये सब किसमें आते हैं? मोनोकॉट में आते हैं ना, मोनोकॉटिलेडनी, यस। चलिए अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज होता है ग्लूमेसी। क्या नाम होता है? ग्लूमेसी, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं? ग्लूम्स। क्या पाए जाते हैं? ग्लूम्स। तो सीरीज का नाम होता है बच्चा ग्लूमेसी। अच्छा फैमिली का नाम आपको पता है, पहले ही बता दिया फैमिली का नाम क्या है, ग्रैमनी और या पोएसी। ग्रैमनी का दूसरा नाम क्या होता है? पोएसी। अच्छा एक बात बताओ, ब्रैसिकेसी को किस नाम से जाना जाता था? मस्टर्ड फैमिली। किस फैमिली के नाम से? और कंपोजिटी को? कंपोजिटी को सनफ्लावर फैमिली। वैसे ही अगर मैं बात करता हूं इसके स्पेशल फीचर, तो इसको जाना जाता है ग्रास फैमिली के नाम से। किस नाम से बच्चा? ग्रास फैमिली के नाम से। भैया बोल दो किस नाम से? ग्रास फैमिली। चलो अगर मैं इसके वेजिटेटिव करेक्टर पे बात करूं, किस पे बात करूं? वेजिटेटिव करेक्टर। वेजिटेटिव करेक्टर का माना होता है रूट स्टेम लीफ। फ्लोरल करेक्टर का माना होता है उसमें इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर से रिलेटेड आप बात करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करता हूं वेजिटेटिव करेक्टर, तो सबसे पहली बात हैबिट। हमें बता दो अगर मैंने जो कंपोजिटी पढ़ा था उसके हैबिट में क्या क्या था, प्लांट बॉडी कैसे थी? हर्ब सर्व और रेयर, हर्ब सर्व और समटाइम ट्री। यहां पर भी सेम ऐसे होता है, हर्ब सर्व और समटाइम क्या होता है बच्चा? ट्री। समटाइम क्या होता है? ट्री। अच्छा ट्री में एक एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं तो दूंगा बंबूसा। क्या एग्जाम्पल दूंगा? बंबूसा क्या है? बंबू की कैटेगरी में आता है। किसमें आता है? बंबू की। बंबू कई टाइप के होते हैं, उसमें एक टाइप होता है क्या? बंबूसा। चल बंबूसा, बंबूसा, यस। चलिए तो अच्छा फिर कंपोजिटी से कंपेयर करो, बताओ अगर कंपोजिटी से कंपेयर कर रहे हो तो वो एनुअल था या बाइनियल था या पेरिनियल था? मोस्टली एनुअल, रेयरली बाइनियल। लेकिन यहां क्या होता है, या तो एनुअल, जैसे व्हीट राइस क्या होता है बच्चा, ये सब एनुअल होते हैं। एक साल में आपने जर्मिनेट किया, फ्लावरिंग फ्रूट, फ्लावरिंग हुआ, उसको आपने क्या कर लिया, फ्लावरिंग हुआ, फ्रूटिंग हुआ, उसको आपने काट लिया, ये एक सीजन के अंदर हुआ तो एनुअल। लेकिन क्या बंबू, बंबू एक सीजन में ऐसा होता है? नहीं, सालों साल तक जिंदा रहते हैं कि नहीं? तो मैंने कहा ये पेरिनियल भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? पेरिनियल भी हो सकते हैं। चलो अगर मैं रूट की बात करूं, देखो एनसीईआरटी में सारी चीजें लिखी हैं, अगर मैं रूट की बात करूं, किसकी बात करूं? रूट। अच्छा एक बात बताओ, रूट में इसमें मैं पहले लिख दे रहा हूं एडवेंटिशियस रूट। क्या एडवेंटिशियस रूट हो सकता है? उसके बाद स्टिल्ट रूट हो सकता है। क्या होता हो सकता है बच्चे? स्टिल्ट रूट हो सकता है। उसके बाद हो सकता है यहां फाइब्रस रूट। कौन सा रूट? फाइब्रस रूट। अच्छा एनसीईआरटी में सारे एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं, बताओ अगर मैं फाइब्रस रूट की बात करता हूं तो बताओ एनसीईआरटी में क्या एग्जाम्पल दिया है? व्हीट। इसका मतलब व्हीट यहां पर भी है, इसका मतलब सर फैमिली ग्रैमिनी में व्हीट का एग्जाम्पल आता है। स्टिल्ट रूट के कितने एग्जाम्पल दिए हैं? दो। अरे एनसीईआरटी में मार्फोलॉजी में कितने दिए हैं? दो। अच्छा
कितने दिए हैं? दो। कौन कौन से? मेज एंड सुगर केन। तो यहां पर भी क्या होगा? मेज एंड क्या होगा? सुगर केन, गन्ना जिसे बोलते हैं बच्चा। अच्छा, एडवेंटिशियस रूट के कितने एग्जाम्पल दिए हैं? तीन दिए हैं, लेकिन वहां से हमें क्या निकालना है? एक ग्रास। क्या? ग्रास। इसका नाम ही क्या है? ग्रास फैमिली। तो एडवेंटिशियस रूट में क्या आएगा बच्चों? ग्रास। तो इसका मतलब हमें यह समझ में आ गया कि ये चार एग्जाम्पल तो हमें मिल गए फैमिली ग्रामनी या फैमिली पोएसी के। बोलो यस या नो। अच्छा, तो क्या मैं बात को आगे बढ़ा सकता हूं? चलो, ये किसका डायग्राम है? बंबू सर। यस, बंबू में तंबू। इधर सुनो, स्टेम की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं? स्टेम। तो स्टेम में होता है अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम। क्या होता है? अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है इन राइजोम, अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है राइजोम में, ये पेरिनियल होता है। क्या होता है बच्चा? पेरिनियल। पेरिनियल मतलब हमेशा रहेगा ना, मतलब ज्यादा साल तक, ज्यादा सीजन तक रहेगा। तो अंडरग्राउंड स्टेम में अगर मैं बात करता हूं, तो अंडरग्राउंड स्टेम में आप क्या समझेंगे? अंडरग्राउंड राइजोम जो होता है, ये किसमें पाए जाते हैं? सारे पेरिनियल प्लांट में। अंडरग्राउंड राइजोम जो होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? ऑल पेरिनियल प्लांट, सारे पेरिनियल प्लांट में। इनकी स्टेम जो होती है वो सिलेंड्रिकल, आपने देखा होगा, व्हीट का देखा होगा, राइस का देखा होगा, बंबू का देखा होगा। बताओ कैसे स्टेम होते हैं? सिलेंड्रिकल। कैसे स्टेम होते हैं? सिलेंड्रिकल। तो इनकी भी स्टेम क्या होगी? सिलेंड्रिकल। और इनमें कल्प पाया जाएगा। कल्प, देखो कल मतलब होता है इलोंगेटेड स्टेम जिसमें नोड और इंटर नोड क्लियर हो। नोड और इंटर नोड क्या हो? क्लियर। तो कल्म होगा जिसमें नोड, देखो अगर ये आप बांस बंबू देख पा रहे हो तो बताओ इसमें ये देखो, ये वाला क्या दिख रहा है? नोड। क्या दिख रहा है? नोड। और दो नोड के बीच में क्या होता है? इंटर नोड। बोलो यस या नो। अच्छा, गन्ना देखा होगा, सुगर केन्स, जहां हम छील नहीं पाते, अगर छीलते हैं छील नहीं पाते, वो क्या होता है? वो मतलब नोड पे पहुंच गए हैं। और इंटर नोड को हम खाते हैं कि नहीं? बोलो यस या नो। अच्छा, तो मैंने कहा इसमें कल्म स्टेम होगा और नोड एंड इंटर नोड बच्चा ये क्या होंगे? क्लियर। ये देखो राइजोम, राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम, ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? अबे थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा। चलो, इंटर नोड, नोड एंड इंटर नोड, ये क्या है? क्लियर मतलब कॉन्स्पिक्यूअस, सही सही दिख रहे हैं, कॉन्स्पिक्यूअस अस्पष्ट दिख रहा है हमें। इनकंस्पिक्यूअस मतलब जो अस्पष्ट ना दिखे। अच्छा, अब देखो इसके इंटर नोड हॉलो भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बच्चा? हॉलो भी हो सकते हैं और सॉलिड भी। अच्छा, सोच के बताना, मुझे रटना नहीं है। अगर तुमने व्हीट का प्लांट देखा होगा, एक तरफ मेज का प्लांट देखा होगा, मेज मतलब भुट्टा, व्हीट मतलब गेहूं। अबे गए हो कि नहीं कभी? नहीं देखे हो? चलो, मैंने कहा, अच्छा बताओ व्हीट और मेज में किसका इंटर नोड जो होगा बच्चों? इंटर नोड मतलब दो नोड के बीच की डिस्टेंस, किसका हॉलो होगा? व्हीट का। व्हीट का क्या होगा? हॉलो। तो ये पूछा जा सकता है भैया, व्हीट का क्या होगा? हॉलो। और अगर मैं मेज की बात करूं, क्या होगा? सॉलिड। नहीं, सुगर केन्स की बात करूं, सॉलिड। अगर मैं बंबू की बात करूं, सॉलिड होगा बंबू। अरे सामने ही बना है भैया, क्या होगा? हॉलो। और इसके स्टेम लचीले भी हो सकते हैं, हर्बेसियस, और लकड़ीदार भी हो सकते हैं, वुडी। याद करना है भैया, याद करना है, समझ रहे हो कि नहीं? चलो बताओ, अगर मैं बात करूं तो अंडरग्राउंड स्टेम पे पहले बताओ, इसके स्टेम के बारे में कुछ खास फीचर बताओ। इसके पहली बात तो इसमें क्या पाया जाएगा? अंडरग्राउंड राइजोम पाया जाएगा। किसमें? सारे पेरिनियल प्लांट में। अंडरग्राउंड क्या पाया जाएगा? राइजोम। अच्छा, स्टेम, स्टेम जो होता है वो जमीन से ऊपर होता है ना, लेकिन क्या है यहां? जमीन के नीचे है, राइजोम टाइप का स्टेम है। अच्छा, उसके बाद कहा ये सिलेंड्रिकल होंगे कि नहीं होंगे? यस। अच्छा, सिलेंड्रिकल होने के बाद बताओ इसमें नोड और इंटर नोड बताओ क्लियर होगा? कल्म स्टेम होगा कि नहीं? अच्छा, उसके बाद इंटर नोड हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी। एक एग्जाम्पल हॉलो के बताओ, व्हीट, और एक एग्जाम्पल सॉलिड के बताओ, क्या?
मेज, यस। चलो अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि ये हर्वेसियस हो सकते हैं और बूढ़ी हो सकते हैं। एक बात समझना, वेजिटेटिव सूट अराइज फ्रॉम बेस ऑफ एरियल स्टेम। जो एरियल स्टेम होता है, ये समझ लो ऐसे, अगर आपने कभी गेहूं देखा हो या नहीं देखा हो तो देख लो यहां पर बना हुआ है। ये जो होता है मेन सूट होता है, मेन स्टेम होता है, मेन एक्सिस। अब इससे जितने भी एक्सिस निकलेंगे बच्चा, उसे बोला जाता है टिलर्स। क्या बोला जाता है? अगर टिलर्स पूछ ले तो आपको, जैसे अगर पैपस पूछ ले तो आपको कौन सी फैमिली याद आनी चाहिए? कौन सी? कंपोज। इनवोल्यूकर बोल दे तो कौन सी फैमिली? कंपोजिटी। वैसे आपको टिलर्स नाम सुनते ही बच्चा कौन सी फैमिली याद आनी चाहिए? अगर हमारी भाषा में, एकदम सिंपल भाषा में बोलो तो सर, जो मेन एक्सिस से स्टेम के ब्रांच, जो मेन एक्सिस से ब्रांच निकले होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टिलर्स। आप देखो भैया, वीट का कभी और कभी तो जिंदगी में ऑब्जर्वेशन करो, वीट का प्लांट लो, उसका एक मेन एक्सिस निकला होता, उससे ढेर सारे, अरे देख ले भाई इधर है कि नहीं, उसे ढेर सारे क्या ब्रांच निकले होते हैं। देखो टिलर्स 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 में भी प्राइमरी टिलर्स, लेकिन उतना हमें नहीं पढ़ना है। बोलो यस या नो। अच्छा तो बताओ टिलर्स क्या होता है बच्चा? पता नहीं क्या होता, कुछ तो होता है। मतलब यार मेन एक्सिस से जो ब्रांच निकला, मेन एक्सिस से जो ब्रांच निकला होता, उसे क्या बोलते हैं? टिलर्स। और मैं टिलर्स इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में तो दिया नहीं, किसी कुछ पता नहीं कहां से आए कहां से नहीं आएगा, लेकिन टिलर्स नाम आते ही आप किस फैमिली को याद करना है बच्चा? फैमिली ग्रामिनी याद करना है। चलो यही हमारा कॉन्सेप्ट था, आओ आगे बढ़ते हैं बच्चा। अच्छा उसके बाद अगर मैं बात करूं, देखो अच्छा ये नोड दिख रहा है कि नहीं बच्चा? और ये दो नोड के बीच में इंटर नोड दिख रहा है कि नहीं? और जो बीच में स्पेस होता उसे लैकुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और बताओ यहां सेप्टा पाया जाता, दीवाल पाया जाता है कि नहीं? बोलो यस या नो। ठीक है आओ फिर मैं बात करता हूं लीफ। अगर मैं लीफ की बात करूं बच्चा, तो इसके लीफ सेसाइल होंगे। क्या होंगे? मतलब क्या है? मतलब पेटियोल इसमें क्या होंगे? एब्सेंट। अबे भाई साहब, लीफ के कितने पार्ट होते हैं? तीन। कितने पार्ट होते हैं? तीन। कौन कौन से? लीफ तीन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लेमाइना। तो इसके लीफ में क्या एब्सेंट होगा? पेटियोल एब्सेंट होगा। तो ये क्या हो? बार बार नहीं लिखाएंगे, पिछली बार लिखाया था सेसाइल लीफ। कैसे लीफ होंगे? सेसाइल लीफ। और टाइप ऑफ लीफ में अगर बात करें तो सिंपल होता है और क्या होता है? कंपाउंड। कभी वीट राइस इस सब का प्लांट देखो, क्या उसमें लीफ लोब में बटे होते हैं? नहीं। तो उसमें क्या होता है? सिंपल लीफ। कैसे टाइप के लीफ याद करना है भैया? सिंपल लीफ। हाँ ऐसे नहीं बोलते हुए चले जाओ, सिंपल लीफ पाया जाता है। फिलोटैक्सी, कभी गेहूं को देखो अल्टरनेट, एक नोड से कितने लीफ निकले होते हैं? एक। और अल्टरनेट निकले होते हैं, एक फिर इधर फिर इधर फिर इधर। बोलो भैया। तो मैंने कहा फिलोटैक्सी जो होता वो क्या होगा? अल्टरनेट। कैसा होगा? अल्टरनेट। अगर मैं बात करूं स्टिप्यूल, तो बताओ फैमिली, जब मैंने कंपोजिटी पढ़ा था तो उसमें स्टिप्यूल पाया, एक्स स्टिपुलेट था कि नहीं? ये भी बच्चा क्या होते हैं? एक्स स्टिपुलेट होते हैं। क्या होते हैं? एक्स स्टिपुलेट मतलब स्टिप्यूल नहीं होता है। अच्छा मैं अगला नहीं बताऊंगा, वेनेशन बता दो। वेनेशन क्या होगा? पैरेलल। वेनेशन क्या होगा? पैरेलल। क्यों होगा? मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन था कि नहीं? मतलब मिड रिप को छोड़ दिया जाए, बाकी सभी वेसल्स का डायमीटर क्या होगा? सेम होगा। वेन का डायमीटर सेम होगा कि नहीं? और वो पैरेलल ही एक दूसरे के अरेंज होंगे कि नहीं? बोलो भैया। तो पैरेलल लाइगुलेट, अब ये बातें हमें समझ में आनी चाहिए। लाइगुलेट क्या है? देखो अगर वीट में आपने देखा होगा एक ऐसा स्ट्रक्चर आता है, लेमाइना के इस पे बेस पे एक ऐसा स्ट्रक्चर आता है जिसे क्या बोलते हैं? लाइगुलेट। अच्छा लाइगुलेट को लाइग्यूल्स बोलते हैं। ये पोर्शन होता है लीफ सीथ का, जो पोर्शन होता है किसका? लीफ सीथ का पोर्शन होता है। अरे यार तुमने सुना होगा लीफ बेस जो होता है वो मोनोकॉट में वीट में सीथ बना लेता है, तो ये लाइग्यूल्स किसका? देखो मैं इसलिए इस टर्म को यूज कर रहा हूं, अगर
लाइग्यूल्स आए तो आपके दिमाग में कौन सी फैमिली आनी चाहिए? फैमिली ग्रैमली। देखो टिलर्स मैंने बोला, जितने भी नए नाम हैं पुराने तो आप याद कर लोगे, लेकिन लाइग्यूलेट क्या होता है बच्चा? ये लीफ बेस का पोर्शन होता है, पोर्शन ऑफ, और यहां लीफ बेस सीथ के फॉर्म में पाया जाता है कि नहीं? मॉर्फोलॉजी तो जैसे पढ़ा ही नहीं है, मैंने कहा था लीफ बेस एक्सपैंड हो जाता है, कवर कर लेता स्टेम को पार्सली या टोटली, बोलो यस या नो। तो ये पोर्शन किसका है? देखो यार अगर ऐसे मेरे भाई इसको समझो, ये लेमाइना है, क्या है? लेमाइना। इसको खींच लो ना मेरे भाई, इसको अगर खींच लोगे तो बताओ ये पूरा इसे निकलता हुआ आ जाएगा कि नहीं हाथ में? ये जो निकल रहा है ऐसे पट 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 करके, ये बताओ क्या है? ये लीफ सीथ है, जो किसका, कौन है जो मॉडिफाइड हो गया था? लीफ बेस। बोलो भैया। तो पोर्शन ऑफ लीफ बेस, हालांकि अगर नाम ही समझ ले रहे हो तो बहुत बड़ी बात है। तो ये लाइग्यूल्स क्या होता है? पोर्शन ऑफ लीफ बेस के अबव, लीफ बेस का पोर्शन है और लेमाइना के अपर साइड पे पाया जाता है। देखो यहां लेमाइना है, इसके यहां पाया जाता है ऊपर की तरफ। बस सीधी सी बात है, लाइग्यूलेट अगर बोला जाए तो आपको कौन सी फैमिली याद आएगी? अच्छा एक मैंने बोला था कुछ ट्यूबुलर और कुछ ऐसे बोला था, याद है कि नहीं? क्या बोला था? हाँ, और लाइग्यूलेट की लाइगुलर, वो जाइगोमॉर्फिक था। चलो लाइग्यूल यहां पर क्या है? लाइग्यूल क्या है बच्चा? लीफ बेस का ही पोर्शन है, यानी लीफ बेस, यहां पर लीफ सीथ है, इसमें पेटियोल नहीं है। कहां पेटियोल दिख रहा भैया आपको? ये लेमाइना है, उसके बाद क्या है? उसके बाद सीधा सीथ है, मतलब लीफ बेस, पेटियोल नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? सेसाइल। क्या बोल रहे हैं? सेसाइल, पेटियोल अब्सेंट। क्या हमारी इतनी बात से भैया सहमत हो? बोलो भैया, क्या मैं बात को आगे बढ़ाऊं? आगे बढ़ाने से पहले पहले मुझे बताओ, सारी बातें बताओ बताओ, लीफ जो होता है उसके बारे में बताओ बताओ, लीफ जो है वो कैसा है? इसका मतलब ये जो लेमाइना है वो पेटियोल से अटैच नहीं है। अच्छा उसके बाद आप मुझे बता सकते हो बच्चा कि बताओ ये टाइप ऑफ लीफ बताओ, सिंपल या कंपाउंड? जल्दी जल्दी बोलो, सिंपल या कंपाउंड? सिंपल। उसके बाद बता सकते हो फिलोटैक्सी? अल्टरनेट। उसके बाद बता सकते हो स्टिप्यूल पाया जाएगा कि नहीं? अच्छा वेनेशन कैसा होगा? पैरेलल। वेनेशन कैसा होगा? पैरेलल। उसके बाद बताओ लाइग्यूल्स क्या होता है? पोर्शन ऑफ लीफ सीथ होता है, लीफ सीथ का पोर्शन होता है जो प्रोजेक्ट होता है अबव, किसके अटैचमेंट के ऊपर पाया जाता है? लेमाइना जहां से अटैच होता है उसी के ऊपर पाया जाता है कि नहीं? बोलो भैया। अच्छा चलो याद हो गया, क्या मैं बात को आगे बढ़ा सकता हूं? फोटो तो हम दे देंगे, अबे वीडियो अपलोड होगा यार तो फोटो की क्या जरूरत है, हो सकता है वीडियो अपलोड हो जाए। इधर चलो आओ, फिर देखो मैंने सबसे पहली बात बात किया फ्लोरल करेक्टर, किस पे बात किया बच्चा? फ्लोरल करेक्टर, फ्लोरल अबे पहले मैंने बात किया वेजिटेटिव करेक्टर, अब आया है क्या जो मैं बोलू वही बोल दो, इसी में तो कला है, इसी में कला है, इसी में बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो कि नहीं? और कुछ भी नहीं कॉन्सेप्ट है, इसे गर्दा हो जाएगा। सुनो अगर मैं फ्लोरल करेक्टर की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चा? फ्लोरल करेक्टर। तो अगर मैं बच्चों फ्लोरल करेक्टर की बात करता हूं तो सबसे पहले टर्म आता है इनफ्लोरेसेंस। क्या आता है? इनफ्लोरेसेंस। अगर मैं बच्चा इनफ्लोरेसेंस पे बात करता हूं, इनफ्लोरेसेंस मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ फ्रूट, फ्लावर या फ्रूट? ग्रुप ऑफ फ्लावर, ग्रुप ऑफ फ्लावर, जिसे क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस। अच्छा ये जिस एक्सिस पे लगे होते हैं ना बच्चा, उसे फ्लोरल एक्सिस बोलते हैं कि नहीं? बोलो यस या नो। अच्छा अब हमारी बात को समझना भैया, हमारी बात को समझना, ये जो इनफ्लोरेसेंस है ये यहां पर इस इनफ्लोरेसेंस जो होता है वो होता है स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। क्या होता है? स्पाइक ऑफ, मजा नहीं आया सर, समझ नहीं आया। हमने कहा रुक जाओ भैया, यही तो समझाना हमें, इसी से तो जंग लड़ना अपने को। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, अब देख भाई, देखो भैया ये जो आपके सामने ये लगा हुआ है ये एक फ्लावर नहीं, अगर फ्लावर है तो भविष्य में फ्रूट भी तो बनेगा। बोलो भैया,
अगर फ्लावर है तो भविष्य में फ्रूट बनेगा कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, ये अगर मैं आपको बड़ी ही प्यार से एक वीट लाके तोड़ के दे दूं, भैया लीजिए, तो बताओ मैंने एक फ्लावर लाके दिया कि ग्रुप ऑफ फ्लावर लाके दिया? ग्रुप ऑफ फ्लावर लाके दिया। ग्रुप ऑफ क्या दिया? फ्लावर। ये फ्लावर का गुच्छा है और इस गुच्छे पे बच्चा जो मेन एक्सिस होता है, जिस जैसे गेहूं के, गेहूं जो वीट है जो आपने जिसकी मदद से पकड़े हो ना बच्चा, वो है रैकिस। क्या है? रैकिस। क्या नाम है? रैकिस। जिसकी मदद से आप इसे पकड़े हो उसे क्या बोलते हैं? रैकिस। ये मेन एक्सिस है, रैकिस। यस, भूलना नहीं भैया। अब देखो जूम आउट कर रहे हैं, यहां से आप क्या करो, एक फ्लोरेट को, एक फ्लोरेट को क्या कर दो, यहां ले आओ। इस पूरे को बच्चा बोलते हैं स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, मतलब बोल सकते हो स्पाइक। क्या बोल सकते हो? स्पाइक। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट मतलब स्पाइकलेट का गुच्छा, समझ रहे हो कि नहीं? एक को बोलोगे वन स्पाइकलेट। देखो वन स्पाइकलेट मतलब एक छोटे से, यार कभी गेहूं लिए हो कि नहीं हाथ में? देखो अब इसको क्या करो, एक को जूम आउट करके बाहर निकाल दो। कौन सा सीजन चल रहा है? गेहूं चावल, गेहूं वाला है हैं? तो क्या चल रहा है? चावल चल रहा है। यही नहीं पता इनको, वीट का सीजन चल रहा है, राइस का, वीट का चल रहा है ना, मस्टर्ड इसी के साथ बोया जाता है ना, पीला पीला वो हरा हरा का कॉम्बिनेशन। अच्छा चलो, तो जाना अभी खेत में, यहां चले जाना बगल में, हाँ सीएससे चले जाना तुम, वहां पर एक जाके गेहूं उखाड़ना और देखना कहीं कोई देख ना रहा हो इधर, नहीं फिर तुम्हें उखाड़ दे वो। देखो बच्चा अगर मैं बात करता हूं तो देखो, कभी भी अगर आप पहले एक प्लांट लोगे तो जो रूट रहेगा वो कौन सा रूट रहेगा? फाइबरस रूट। कौन सा रूट रहेगा बच्चा? फाइबरस रूट रहेगा। अच्छा अगर मैंने कहा चलो ठीक है फाइबरस रूट रहेगा, मैंने मान लिया, अब मैंने एक इसको, एक डंठल को ऐसे पकड़ के आपको लाके दिया, जिसकी मदद से मैं इसको पकड़ा हूं वो क्या है? रैकिस। और इसमें बताओ ढेर सारे स्पाइकलेट का समूह है कि नहीं? एक मैंने कहा, एक देखो इसको मैंने उखाड़ लिया यहां से, तो बच्चा ये क्या है? एक स्पाइकलेट, वन स्पाइकलेट। बोलो यस या नो। अब इसी स्पाइकलेट को बच्चा, अच्छा बताओ जैसे मान लो मैं यहां क्या बना दिया हूं? रैकिस। क्या बना दिया हूं? रैकिस। और यहां पर मैंने एक ऐसे मान लो, ऐसे मान लो ऐसे बना दिया, ऐसे ढेर सारे होंगे कि नहीं बच्चा? बोल दे भाई, पूरा समूह में होगा। देखो ये फ्लोरेट जिसकी मदद से इससे अटैच है उसे बोलते हैं बच्चा रैकिला। क्या बोलते हैं? उम्मीद करते हैं रैकिला और रैकिस में आप समझ गए होंगे। जैसे देखो एक फ्लावर के डंठल को क्या बोलते हैं? पेडिसिल। और जो फ्लावर जिस एक्सिस में जुड़ा होता है, सारे एक्सिस पूरे मेन एक्सिस को क्या बोलते हैं? पेडंकल। वैसे वैसे क्या होता है, पूरे मेन एक्सिस को क्या बोलते हैं? रैकिस। ये फ्लोरेट जिसकी मदद से इस रैकिस से जुड़ा होगा उसे क्या बोलेंगे? रैकिला। क्या बोलेंगे? उम्मीद करते हैं आप हमारी इतनी बात को समझ रहे होंगे। बोलो भैया, टेंशन में कहां बैठे हो भैया? क्या बोलेंगे? रैकिला। चलो अब देखो ये यही दिखाना चाह रहे थे हम। ये देखो दिख रहा है कि नहीं? अरे बोल भाई। सर अब इसको अगर इनलार्ज थोड़ा सा बड़ा व्यू करोगे तो ऐसा दिखेगा, खुला खुला दिख रहा है ना। अब सर मजा नहीं आ रहा है, हमने कहा मजा आएगा अभी जब हम जूम और जूम आउट करेंगे, समझ रहे हो कि नहीं? अरे बोलो भैया। और एक एक कॉन्सेप्ट जब क्लियर करेंगे, मैं कहता हूं यही थोड़ा सा प्रॉब्लम होता लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो मैं पीछे जाऊं, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट पूरे को बोल रहे हैं कि नहीं? एक को क्या बोल रहे हैं? स्पाइकलेट। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट का जो डंठल होगा एक्सिस होगा रैकिस, और इसका जो होगा उसे क्या बोलेंगे बच्चा? रैकिला। बोलो यस या नो। अच्छा उसके बाद बताओ बच्चा, इनलार्जमेंट ऑफ इस, अगर इनलार्ज व्यू दिखाया तो ऐसा दिखेगा कि नहीं? दिखेगा सर लेकिन मजा नहीं आ रहा, हमने कहा मजा देंगे बच्चों। इधर देखो, एक फ्लोरेट, दो फ्लावर, तीन फ्लावर, चार, मतलब मैं अगर कह रहा हूं ये, अगर मैं कहूं एक स्पाइकलेट मतलब एक फ्लावर, तो मैं कैसा लगूंगा? मैं सही हूं या गलत हूं? गलत हूं, बिल्कुल गलत हूं यार। इधर नहीं दिख रहा है, एक स्पाइकलेट है लेकिन फ्लावर एक दो तीन, मतलब एक से ज्यादा है कि नहीं? बात को हमारे समझो एकदम गंभीरता से।
मैं कह रहा हूं इस पूरे समूह को क्या बोल रहे हैं, स्पाइक ऑफ स्पाइक ले। मैंने सिर्फ एक को निकाला यहां से, एक को, और एक में भी कई सारे फ्लावर हैं कि नहीं, बोल भाई। अच्छा चलो, तो मैंने कहा बच्चों आओ फिर से वापस आते हैं अपने काम पर। स्पाइक तो इन्फ्लोरेसेंस पूछेगा क्या होगा। अच्छा वहां पर कंपोजिटी में हमने क्या पढ़ा था, इन्फ्लोरेसेंस है कैपिटुलम और या हेड बोला था कि नहीं, और यहां पर बच्चा स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट क्या होगा, स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। चलो मजा आ जाएगा, आओ अब देखो। अब वही बात कहा है ना, स्पाइकलेट अगर एक स्पाइकलेट की बात करो कंसिस्ट ऑफ, वो बना होता है, अच्छा बताओ एक्सिस बहुत बड़ी बहुत छोटी है। अब अगर भाई साहब, अगर मेरे भैया, अगर बहुत बड़ी होती तो ये यहां नहीं होते ऐसे ऐसे करके, छोटी एक्सिस है ना ये वाली, बोलो यार। तो हमने कहा बच्चों ये क्या है, हाँ स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट की अगर मैं बात करता हूं तो स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट बच्चा वो क्या होता है, शॉर्ट एक्सिस। कैसा है बच्चा, शॉर्ट एक्सिस। इधर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मान लो है रैकिला, और शॉर्ट एक्सिस को बताओ बच्चों क्या बोलेंगे। मैं चाहता हूं एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है कि नहीं, इस स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट क्या है, स्पाइकलेट क्या है, स्पाइकलेट में एक फ्लावर आते हैं, कई सारे फ्लावर हो सकते हैं कि नहीं, एकदम क्लियर है कि नहीं, किसको रैकिला बोलते हैं, किसको रैकिस बोलते हैं, सारी बातें क्लियर है कि नहीं। तो क्लियर कैसे नहीं होगी, चलो इधर देखना। मैंने कहा स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कंसिस्ट बना होता है किससे, शॉर्ट एक्सिस से। किससे बना होता है, शॉर्ट एक्सिस होता है, जिसे क्या बोलते हैं, रैकिला। क्या बोलते हैं? और बच्चा यही कुछ टर्म आएंगे आपको जो सीखने वाले रहेंगे, बाकी वो भी ऐसे ही अदर फैमिली की तरह है, याद करना है सिर्फ। चलो देखना, देखो क्या बोला मैंने, एक स्पाइकलेट में एक रैकिला होगा कि नहीं, ऑन विच जिस पे एक फ्लावर, एक से लेकर कितने फ्लावर हो सकते हैं, पांच फ्लावर। देखो एक स्पाइकलेट अगर एक फ्लावर बोला जाए तो गलत हो जाएगा, बात समझ रहे हो कि नहीं। एक स्पाइकलेट में जरूरी नहीं कि एक फ्लावर हो, एक भी हो सकता, दो भी हो सकता, तीन भी हो सकता, चार भी हो सकता, और पांच फ्लावर तक हो सकते हैं, बोलो भैया। अच्छा अब बेस ऑफ बेस, इसके बेस पे बच्चा, इसके बेस पे, बेस ऑफ रैकिला, रैकिला के बेस पे बच्चों दो क्या पाए जाते हैं, दो स्टेराइल स्केल। अच्छा स्टेराइल का मतलब क्या होता है, जो बच्चे ना पैदा कर सकें, अबे जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बच्चे पैदा करने में, जैसे एंड्रोसियम और गाइनोसियम को आप स्टेराइल नहीं बोल सकते। तो इसमें दो स्टेराइल स्केल पाए जाते हैं, और इस स्केल का नाम होता बच्चा ग्लूम्स। क्या नाम होता है, ग्लूम्स। कहीं कभी भी अगर ग्लूम्स पूछा जाए तो बताओ किस फैमिली को याद करोगे, इसकी सीरीज ग्लूमेसी थी कि नहीं, इसी ग्लूम्स की वजह से बच्चा इसकी सीरीज क्या थी, ग्लूमेसी। और दो ग्लूम्स होते हैं, पहला वाला लोअर की तरफ होता है और दूसरा वाला अपर की तरफ होता है, फर्स्ट ग्लूम्स, फर्स्ट ग्लूम्स, और बच्चा सेकेंड ग्लूम्स, सेकेंड ग्लूम्स। बोलो यस या नो, बोलो भैया। अच्छा अपर की तरफ पाया जाता है और लोअर की तरफ पाया जाता है। अच्छा देखना, फर्स्ट ग्लूम्स कहां होता है, लोअर की तरफ, और सेकेंड ग्लूम्स क्या होता है, अपर की तरफ। चलो बच्चों अब देखना, देखो एक बात सुनो बच्चा, अब क्या होता है इसमें, इसमें उसके बाद बेस ऑफ रैकिला ये हो गया, उसके बाद इसमें जो होता है वो ब्रैक्ट या ब्रैक्टियोल का मॉडिफिकेशन पार्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चा, ब्रैक्ट या ब्रैक्टियोल्स का मॉडिफाइड पार्ट पाया जाता है, जिसे बोलते हैं पेलिया। क्या बोलते हैं, पेलिया। और पेलिया भी दो होते हैं बच्चों, एक होता है सुपीरियर, देखो एक होता है सुपी, मैं बहुत गंदा डायग्राम बना रहा हूं, ये सब गलत है, पहले मान लेना, ये इधर देखना, हाँ नहीं तो कहो सर तुम नहीं कहोगे, तुम भी कह सकते हो। देखो बच्चा मैं क्या बना रहा हूं, देखो बच्चा इधर देखना, एक को बोलते हैं सुपीरियर पेलिया, सुपीरियर पेलिया, और दूसरे को क्या बोलते हैं, इंफीरियर, एकदम फील दे देंगे बच्चा, इधर देखो पेलिया। और मैं चाहता हूं अगर आपको गेहूं का प्लांट मिले तो आप ये सब जाके देखें, सब दिखेगा इंफीरियर पेलिया। क्या होता है, ईच फ्लोरेट, फ्लोरेट मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर,
समझ रहे हो कि नहीं? ईच फ्लोरेट हैज पेलिया, प्रत्येक सॉरी फ्लोरेट मतलब होता ग्रुप ऑफ फ्लावर, नहीं ग्रुप ऑफ फ्लावर का एक छोटा सा यूनिट, समझ रहे हो कि नहीं? फ्लोरेट, ईच फ्लोरेट हैज पेलिया, इसके पास क्या होता है? पेलिया. दे आर मॉडिफाइड, किसका मॉडिफाइड है? ब्रैक्ट या ब्रैक्टियोल्स का मॉडिफाइड पार्ट है कि नहीं? और बताओ ये कितने होते हैं? दो. कितने होते हैं? दो. एक होता है बच्चा इंफीरियर पेलिया, क्या होता है? इंफीरियर पेलिया, और दूसरा होता है सुपीरियर पेलिया. बच्चों एक बात समझना, इंफीरियर पेलिया जो होता है उसका नाम होता है लेमा. क्या नाम होता है? सुनते रहो बोलते रहो. बताओ इंफीरियर पेलिया, कंफ्यूज तो नहीं हो? रैकिला, रैकिला से दो क्या निकले? नहीं, ग्लूम्स से हाँ, रैकिला से क्या निकले? स्टेराइल स्केल, स्केली पार्ट क्या निकले? उसका क्या नाम दिया? ग्लूम्स, फर्स्ट ग्लूम्स और सेकेंड ग्लूम्स. फर्स्ट ग्लूम्स कहां पाया जाता है? लोअर की तरफ, और सेकेंड ग्लूम्स अपर की तरफ. उसके बाद बच्चों मैंने कहा प्रत्येक फ्लोरेट में, प्रत्येक फ्लोरेट में मतलब फ्लावर का छोटा यूनिट, ग्रुप ऑफ फ्लावर में फ्लावर का छोटा यूनिट उसे फ्लोरेट बोलते हैं. प्रत्येक फ्लोरेट में क्या होता है? पेलिया. ये क्या होता है? मॉडिफाइड ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स. इनवोलुकर क्या था? इनवोलुकर होल ऑफ ब्रैक्ट था कि नहीं? अरे बोल दे भाई, क्या था? होल ऑफ ब्रैक्ट. अब देखना बच्चों, तो मैंने कहा इंफीरियर पेलिया को नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है बच्चा? इंफीरियर पेलिया को नाम दिया जाता है लेमा. क्या नाम दिया जाता है? लेमा. और बच्चा जानते हो इसी से तुमने देखा होगा, अगर गेहूं के खेत में कभी आप गए हैं तो आपने देखा होगा ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, आपने देखा होगा कि नहीं? अब बोल भाई, ये लंबे लंबे होते हैं कि नहीं, और कड़े होते हैं कि नहीं? बोलो भैया. लॉन्ग स्टिफ हेयर होते हैं जिसे बोलते हैं ऑन. क्या बोलते हैं? ऑन. ऑन तो अब कभी भी गेहूं का खेत जाना तो पापा मम्मी को जाके समझाना, कहते तो पापा ये ऑन है, ये इंफीरियर पेलिया, ये सुपीरियर पेलिया, ये रैकिला. फिर पापा कहेंगे चला जा इधर देख. तो लॉन्ग स्टिफ एयर जो होता है उसे बोलेंगे क्या? ऑन्स. क्या बोलेंगे? ऑन्स. अब तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ ये ऑन्स कहां से निकले होते हैं, इंफीरियर पेलिया या सुपीरियर पेलिया? कहां से निकले होते हैं बच्चा? इंफीरियर पेलिया से निकले होते हैं कि नहीं? बोल दो भैया. यही जो कुछ है बस, उसके बाद कुछ नहीं है. सुनो आप देखो, निकाल रहे थे खाने वाला ना. जैसे देखते हैं सर, अरे सर कौन सर के सामने खाए, कहीं मांग लिए तब इधर तो सर शर्म नहीं लगता, बट डर लगता कहीं मांग ना ले. अच्छा बच्चों उसके बाद इतनी बात से हमारे सहमत हो कि नहीं? उसके बाद देखो, ये एक ऐसी फैमिली है जहां पर क्या, एक फैमिली आपको तुरंत बताना जैसे मैं इस टर्म को बोलूंगा, जो टर्म बोलने जा रहा हूं. एक ये एक खा लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो बंद कर दी. सुनो मैंने कहा कि ये एक ऐसी फैमिली है, ये एक ऐसी फैमिली है बच्चों जिसमें कैलिक्स और करोला डिस्टिंक्ट नहीं होता, वो अलग नहीं होता. बताओ उसे क्या बोलते हैं? इसको क्या टर्म देंगे? नाक कटा दे रहे हो यार तुम. पेरियंथ नाम देंगे कि नहीं? और कौन सी फैमिली का नाम आएगा? लिलिएसी आया कि नहीं? अब लेकिन वो अब तो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप याद जरूर रखिएगा उसके एग्जाम्पल. हाँ एग्जाम्पल याद रखिएगा, चाहे जो फैमिली हो. यहां पर भी वही कंडीशन होता है, और यहां पर पेरियंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है लोडिक्यूल्स. क्या नाम होता है बच्चा? लोडिक्यूल्स. जब भी आपके सामने लोडिक्यूल्स नाम आएगा, इस डायग्राम में जो मेरा काम था वो मैंने समझा दिया, अब इसमें तो नहीं बनाऊंगा. बताओ क्या मैं इस बात को हटा सकता हूं? समझ में आया कि नहीं? बताओ स्पाइकलेट जो होता है उसके पास सॉल्ट एक्सिस होता है कि नहीं? और सॉल्ट एक्सिस में बताओ बच्चा उसका क्या नाम होता है? रैकिला. और बताओ रैकिला पे एक से ज्यादा या एक या पांच फ्लावर लग सकते हैं कि नहीं? एक से लेकर पांच. उसके बाद मैंने कहा बेस ऑफ रैकिला पे दो स्टेराइल स्केल पाए जाते हैं, जैसे क्या बोलते हैं? ग्लूम्स. क्या बोलते हैं? ग्लूम्स. अब अच्छा अगर ग्लूम्स की बात करेंगे तो बताओ फर्स्ट ग्लूम्स और सेकेंड. अपर की तरफ कौन पाया जाता है? सेकेंड. और लोअर की तरफ कौन पाया जाता है? फर्स्ट. बोलो भैया. अच्छा उसके बाद चलें बात को आगे बढ़ाएं. बोलो भैया. चलो इधर देखना, अब मैंने कहा आगे बात को बढ़ाते हैं. हाँ समझ में आ गया. प्रत्येक फ्लोरेट में क्या होता है? पेलिया. पेलिया क्या है? मॉडिफाइड क्या है? ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स है कि नहीं? अरे बोलो यस या नो. अच्छा चलो बच्चा उसके बाद बताओ किससे ऑन्स निकला होता? ऑन
इंफीरियर पहलिया। और बताओ ऑन क्या होता है, क्या होता है बच्चों? हां चलिए लॉन्ग स्टे, अरे यार मतलब क्या होता है, नहीं बस ऐसे पकड़ के ले आओ सर, ये देखिए ऑनलाइन है, और चुभाने में मजा आता है थोड़ा सा, समझ लो कानवान में ऐसे करके बड़ा मजा आता है, इधर देखना। और अच्छा ये तो हो गया, अभी बच्चा अभी तो क्या क्लियर, देखो क्लियर इधर, ये बच्चा लॉडिक्यूल्स दिखा रहा है। लॉडिक्यूल्स क्या है बताओ? कैलिक्स और करोला जब नॉट डिस्टिंक्ट, वो डिस्टिंक्ट नहीं, कलर शेप साइज सब में सेम हो जाता है, जब आप डिस्टिंक्ट ना कर पाओ कैलिक्स करोला को, तो उसे क्या बोलते हो? पेरियंथ। और पेरियंथ रिप्रेजेंटेड बाय यहां पर लॉडिक्यूल्स। तो देखो मैं कुछ स्पेशल स्पेशल नाम पढ़ रहा हूं, टेलर्स नाम पढ़ा, उसके बाद मैंने नाम पढ़ा ग्लियम्स नाम पढ़ा, पहलिया नाम पढ़ा, ऑन्स पढ़ा, बोलो उसके बाद मैं क्या पढ़ रहा हूं? लॉडिक्यूल्स। सारे बातें एकदम क्लियर है कि नहीं? बताओ मेन एक्सिस से जो ब्रांच निकले उसे क्या बोलते हैं? टेलर्स। और जो दो स्टेराइल स्केल पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? ग्लूम्स। बोलो भैया। अच्छा उसके बाद बताओ मॉडिफाइड ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल है? है? पहलिया। अच्छा उसके बाद बताओ बच्चा क्या पेरियंथ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉडिक्यूल्स। चलो बच्चा उसके बाद देखो एक ओपन फ्लावर, अब देखो पहले मैंने स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट लिया, उसके बाद स्पाइकलेट लिया, उसके बाद एक फ्लावर काट के आपके सामने लाया, हाँ समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा इधर देखना बच्चा, अब मैंने कहा कि देखो ये आपको दिख रहा है पहलिया, और ये पहलिया से देखो बच्चों इंफीरियर पहलिया से क्या निकला होता है? ऑन्स। ये देखो ऑन्स, ये देखो इंफीरियर पहलिया है कि नहीं, जिसे क्या नाम से पुकार सकते हैं हम? लेमा। और लेमा से बताओ क्या? अब देखो फ्लावर को भी क्या कर दिया गया? हटा दिया, बांट दिया गया है। तो इससे बढ़िया क्या समझ पाओगे बच्चा? स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट, स्पाइकलेट एक फ्लावर, उसकी पोस्टमार्टम की गई। देखो इधर आओ, आइए भैया। तो ऑन्स, ऑन्स मतलब क्या होता है? वो हेयर। देखो लॉडिक्यूल्स यहां पर दिखाया जा रहा है, कितने? दो। बात समझ रहे हो कि नहीं? अच्छा उसके बाद एम्प्टी ग्लूम्स, ये क्या है? एम्प्टी ग्लूम्स है बच्चा। और उसके बाद ये क्या है? सुपीरियर पहलिया। ये सॉरी ये क्या है? सुपीरियर पहलिया या इंफीरियर पहलिया बच्चा? और यहां से क्या निकल रहा? ऑन्स। बात करते हैं बच्चों अब इनफ्लोरेसेंस पे, बताओ हमारी बात हो गई कि नहीं? फोटो वोटो खींचोगे कि नहीं? अबे पीडीएफ दे देंगे भाई, खींच लो, लेकिन हमारे ऊपर अगर विश्वास ना हो। विश्वास तो है लेकिन सर थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है। अच्छा भैया बढ़ाएं, बढ़ा देंगे। देखो और बेहतरीन से समझ में आएगा इसमें। देखो यहां पर क्या दिया है? रेकिस। लेकिन अगर मैं एक ये यहां का एक स्पाइकलेट तोड़ के लाता तो वहां जो एक्सिस होता उसे क्या बोलते हैं? रैकिला। क्या बोलते हैं? रैकिला। स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट अगर मैं बात करूं, ये पूरा स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट है। और प्रत्येक की बात करूं तो बच्चा क्या है? ये एक फ्लावर की बात किया है, मतलब एक स्पाइकलेट में बताओ ग्लूम्स होता है बच्चा, उसके बाद क्या होता है? पहलिया होता है, लेमा। लेमा क्या बोलते हैं? उसी इंफीरियर पहलिया को क्या बोलते हैं? लेमा। कोई अलग चीज नहीं है। उसके बाद अब इस पे बात करने वाले एंथर ओंथर पे। चलो बच्चा अगर मैं बात करूं प्लेसेंटेशन, तो बताओ कंपोजिटी का प्लेसेंटेशन क्या था? बेसल। क्या था बच्चा? कंपोजिटी का बेसल। और बेसल में कितने एग्जाम्पल दिए गए थे? दो। कौन कौन से? मैरीगोल्ड, सनफ्लावर। वहां पर एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं, यहां दो एग्जाम्पल, यहां पर भी बेसल होता है बच्चा। तो अब देखो आपके पास इतना ज्यादा एग्जाम्पल हो गया बेसल का ना, सबसे पहली बात पूरी सनफ्लावर फैमिली एग्जाम्पल हो गया, और दूसरी बात पूरा इसकी वीट राइस, ये सब क्या है? बेसल में आएंगे कि नहीं? तो भैया ये ना कह देना बेसल के एग्जाम्पल पूछे दो, दो नहीं पूरी कंपोजिटी, मतलब कंपोजिटी के एग्जाम्पल और ग्रामिनी के एग्जाम्पल बेसल प्लेसेंटेशन में ऐड करने हैं कि नहीं? 20 एग्जाम्पल देगा, कहेगा छाटो बीनो, और तुम छाट बीन दोगे वही जो तुमने पढ़ा एनसीईआरटी में। दो सर, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, यही दो, गलत हो जाएगा बच्चों। चलो ओवरी जो होगा बताओ, ओवरी यहां पर होता है सुपीरियर। क्या होता है? वहां सुपीरियर ओवरी के कितने एग्जाम्पल दिए हैं? तीन। कौन से? ब्रिंजल। हां क्या क्या?
चाइना रोज, मस्टर्ड और ब्रिंजल। बच्चा ये भी अब सुपीरियर ओबरी में आपके, देखो फैबेसी, सोलेनेसी, लिलियसी सारे सुपीरियर हैं, तो हमें रखना थोड़ी ना कि सुपीरियर इतने तीन एग्जांपल। देखो मैंने कहा बच्चों कि सुपीरियर जो होता है, अगर मैं बात करूं सुपीरियर की बात करूं तो सुपीरियर में क्या होगा बोलो भैया, ओबरी क्या होगा? अरे सर आप गलत पूछ ही रहे हैं, उसके बाद पूछ रहे हैं सुपीरियर में क्या होगा, कह दो सुपीरियर में ओबरी होगा और क्या। इधर अब मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, पिछला मैंने पढ़ा था वो सीड कैसा था, एंडोस्पर्मिक कि नॉन एंडोस्पर्मिक, वो डाइकॉट था कि नहीं था, बताओ ये सीड कैसा होगा, एंडोस्पर्मिक होगा कि नहीं, और जहां आपने एंडोस्पर्मिक का एग्जांपल लिखा होगा वहां वीट राइस मेज लिखा होगा कि नहीं, वो सब इसी फैमिली से आते हैं कि नहीं। तो बच्चा सीड क्या होगा, एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक। और बताओ इसमें सिंगल कॉटिलेडन होंगे या सिंगल कॉटिलेडन होंगे, और इस सिंगल कॉटिलेडन को बच्चा नाम बता देंगे मैं खुश हो जाऊंगा, स्क्यूटेलम। क्या बोलते हैं बच्चा, स्क्यूटेलम बोलते हैं कि नहीं? कुल लोग मुंह उठा के सिर्फ चले आए हैं, चलो देखते हैं क्या पढ़ाया जा रहा है, रूम पे मन नहीं लग रहा है। अबे भाई बोल सकते हो ना, क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम। बोलो यस या नो, मेज में हमने पढ़ाया था कि नहीं, मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया था कि नहीं? चलो अब बच्चा अब देखो इसके, अगर मैं कहूं कभी वो खाए हो, खिला दीजिए, क्या बताएं, चलो रहने दो, ऑनलाइन जा रहा नहीं तो बता। मैंने कहा वो क्या कहते हैं कॉर्न, अबे भुट्टा यार सीधा सीधा बात करो, खाए हो कि नहीं? तो जैसे क्या होता है बच्चों, जब भुट्टे को भूज के दिया जाता है तो कभी कभी क्या होता है, दांत से चबाने में थोड़ा मजा नहीं आता, ऐसा लगता है यार कोई हमें इसको निकाल के अलग अलग दे दे और ऐसे ऐसे हम खा जाए, समझ रहे हो कि नहीं? तो लेकिन क्या होता है, सुनो अगर मैं फ्रूट की बात करूंगा तो यहां फ्रूट देखना, अच्छा जब कभी भी तुमने खाया होगा, क्या भुट्टा खाया होगा बच्चों, तो उसमें देखो यार वो जो जो तुम कॉर्न का दाना खा रहे हो वो क्या खा रहे हो, सीड खा रहे हो या फ्रूट खा रहे हो, फ्रूट क्या खा रहे हो, उसमें क्या होता है देखो, फ्रूट जो होता है वो फ्यूज हो जाता है बच्चा पूरी तरीके से, किससे, सीड से, सीड कोट से। वहां देखो पढ़ा होगा आपने और डायग्राम भी बना है, फ्रूट वॉल एंड सीड कोट क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं कि नहीं, बोलो यस या नो। तो यहां पर जो फ्रूट का नाम है वो है कैरियोप्सिस, क्या नाम है बच्चा, कैरियोप्सिस। और कैरियोप्सिस में क्या होता है बच्चों, कैरियोप्सिस में क्या होता है, फ्रूट वॉल फ्यूज हो जाता है सीड कोट से, पढ़ा होगा वहां पर, मैं मॉर्फोलॉजी में पढ़ाया है कि नहीं, डायग्राम में लिखा हुआ है वो, सीड कोट किससे फ्यूज हो जाता है बच्चा, फ्रूट वॉल से, तो इसे क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस। फ्रूट वॉल, बोलो यस या नो, जैसे क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस। अच्छा इधर देखना बच्चा, अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं बात करता हूं पेरियंथ, तो बताओ पेरियंथ जो होता है बच्चों, अगर मैं बात करूं पेरियंथ की, तो पेरियंथ दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं और मेनी हो सकते हैं, दो या तीन या मेनी हो सकते हैं। एक ऑप्शन यह भी हो कि अब्सेंट हो, क्या हो बच्चा, अब्सेंट, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, मेनी हो सकते हैं, और इसे बताओ रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, रिप्रेजेंटेड बाई कौन है भाई, रिप्रेजेंटेड बाई लॉडिक्यूल्स, चलो क्या हमारी इतनी बातों से सहमत हो भैया, अरे बोलो यार आगे बढ़ें, बस खत्म होने वाला है, आगे बढ़ें। अच्छा एक मिनट में आ रहा है, पूरा याद करो, पूरा याद करो।
क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो यस या नो, दरवाजा बंद कर दो भैया, सुर हवा आएगी। अरे ठंडी चली गई लेकिन अभी इतनी भी नहीं गई है। चलो, लोग कह रहे हैं कि ठंडी अभी वापस आएगी, ये हमें वही फील आता, करण अर्जुन हमारे, करण अर्जुन वापस आएंगे, वही वाली सेम फील आती है। चलो बच्चा, ये सारी बातें एकदम क्लियर? कुछ नहीं है। एंड्रोसियम की अगर मैं बात करूंगा बच्चों, एंड्रोसियम की बात करूंगा, तो एंड्रोसियम जो होता है ये, इसका यूनिट क्या होगा बच्चा? स्टेमेन। स्टेमेन यूजुअली ऐसा देखा गया है, यूजुअली ऐसा देखा गया है कि बच्चे वो कितने होते हैं? वो तीन होते हैं। क्या होते हैं? और सम टाइम कभी कभी जब उनका मन करता है तो वो छह हो जाते हैं। ये कौन सा बात हुआ सर? मन करता है कुछ प्लांट में वो क्या हो जाते हैं बच्चा? छह होते हैं। यूजुअली ऐसा देखा गया है कि वो कितने होते हैं? तीन। हमारी बात को समझ रहे हो कि नहीं? उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। अरे यार देखो इधर, अब मैंने कहा पॉलन ग्रेन इनके ड्राई होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? अच्छा, अंदेशा आपको लग गया होगा कि कौन से टाइप का पॉलिनेशन होगा क्या? यस। अच्छा एयर, हम कहे यस कह रहे हो, इधर देखना, विंड पॉलिनेशन होगा कि नहीं? और विंड पॉलिनेशन को एंटोमोफिली बोलते हैं, भूल मत जाना।
कौन? कहा यस सर, क्या बोलते हैं, एनीमोफिली बोलते हैं कि नहीं, मतलब हर बात में यस। पॉलिनेशन भाई विंड। अब देखो इसमें जो स्टेमेन होता है बच्चा वर्सेटाइल होता है। लीनियर तो हमने जैसा पढ़ा था वो लीनियर वाला था, जो नॉर्मल पढ़ा था। वर्सेटाइल अलग टाइप का होता है। वर्सेटाइल में क्या होता है, ये देखो पहले नॉर्मल वाला जो था ऐसे एंथर था और यहां से फिलामेंट जुड़ा था, लेकिन यहां पर ये एंथर है और फिलामेंट बीच से जुड़ा होता है। बीच से मतलब समझ रहे हो, ये देखो जैसे जैसे ये जैसे मान लो ये क्या है एंथर और ये फिलामेंट, बीच से जुड़ा हुआ है, ऐसे नहीं पूरे में जुड़ा हुआ है, ये बीच से जुड़ा हुआ है। बीच से क्यों जुड़ा हुआ है, ताकि देखो मुंह बना रहे हो यार अजीब अजीब तरीके से, देखो ये ताकि फ्लटरिंग कर सके, फ्लटरिंग समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, अब फ्लटरिंग कर सके ताकि बच्चा, ताकि अब फ्लटरिंग करने से क्या होगा, जब हवा में हिलेंगे तो पॉलन ग्रेन दूर तक जाए, मतलब एंथर फटने के चांस रहेंगे तो पॉलन ग्रेन निकलने के चांस रहेंगे कि नहीं, यस या नो। एनर्जी तुम्हारे अंदर है ही नहीं है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं गाइनोसियम, किसके बात करता हूं बच्चा, तो याद कर लेना गाइनोसियम में एक कार्पेल होता है जिसे मोनोकार्पेलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, मोनोकार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी। क्या होते हैं बच्चा, मोनोकार्पेलरी, यस। चलिए, अब मैंने कहा मोनोकार्पेलरी होने के साथ इनमें जो होता है बच्चों मोनोकार्पेलरी होते हैं, और मोनोकार्पेलरी होने के साथ इसमें स्टाइल जो होता है, स्टाइल अबे तीन पार्ट होते हैं ना गाइनोसियम के, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। तो जो स्टाइल होता है बच्चा, स्टाइल जो होता है, अगर मैं बात करता हूं स्टाइल, या तो बहुत शॉर्ट होगा या तो अब्सेंट होगा। क्या होगा बच्चों, अब्सेंट, या तो बहुत शॉर्ट होगा या तो क्या होगा, अब्सेंट होगा। बात नहीं कर रहा हूं उनसे, बोलो यस या नो। अच्छा, तो गाइनोसियम जो होता, अच्छा इसकी जो ओबरी होती है ना बच्चा, अगर मैं बात करूं ओबरी की, तो ओबरी तो आपने कहा था कैसी होती है, सुपीरियर। कैसी होती है बच्चा, सुपीरियर ओबरी होती है और यूनिलॉकुलर होता है, एक लोक्यूल पाए जाते, एक चैम्बर वाले होते हैं, यूनिलॉकुलर, यूनिलॉकुलर। और पिछला वाला कैसा था, कंपोजिटी, यूनिलॉकुलर था कि नहीं, बोलो यस या नो। और यूनिलॉकुलर विद, जानते हो, सिंगल ओब्यूल्स, कितने ओब्यूल्स बच्चा, सिंगल ओब्यूल्स, एक ओब्यूल्स होगा तो सीड कितने होंगे, एक। अब एक सीड वाले सारे एग्जांपल यहां मिल गए कि नहीं, ये ना कहना अगर मल्टीपल सीड वाले और एक सीड वाले एग्जांपल, अब सारे एग्जांपल इसके एक सीड वाले होंगे कि नहीं, क्योंकि एक ओब्यू, एक ओबरी में कितने ओब्यूल्स हैं, एक। दिमाग लगाओ भैया दिमाग, चलो उम्मीद करते हैं। अच्छा देखो, अब इसमें जो होता है, देखो ये जो स्टाइल, तो या तो बहुत छोटे हैं या तो है ही नहीं। स्टिग्मा दो होते हैं, कितने होते हैं, दो, कितने भैया, दो। देखो बच्चा ये ओवरी है, डायरेक्ट इस पे स्टिग्मा लगा हुआ है, स्टाइल का कोई लेना देना, या तो होंगे भी तो बहुत छोटे होंगे, इसीलिए मैंने डायग्राम उठाया। और देखो ये ऐसा कहीं ना कहीं तुम्हें फील आ रहा होगा, अगर तुम देख पा रहे होगे थोड़ा बहुत, हाँ यहां तो दिख रहा है बच्चा, तो देख पा रहे होगे तो थोड़ा बहुत फील आ रहा होगा, ये ऐसा लग रहा है कि फेदरी है, कैसे है, फेदरी, जैसे अरे मुर्गी के पंख जैसा, ऐसा लग रहा है कि नहीं, फेदरी स्टिग्मा। कैसा स्टिग्मा होता बच्चा, स्टिग्मा इसके, और कितने हैं देख के बताओ, जनरली एक एक गाइनोसियम में बताओ एक स्टिग्मा होता है कि नहीं, लेकिन यहां पर कितने हैं, दो, दो, दो स्टिग्मा हैं। और बताओ कैसे हैं बच्चा, फेदरी, कैसे हैं, फेदरी, बोलो यस या नो। अच्छा आओ, अगर मैं बात को आगे बढ़ाऊंगा, पहले बताओ इतनी बात हमारी कुशल मंगल तरीके से बच्चा समझ गए कि नहीं, बोलो भैया, ए भैया इधर, तुम सब तो एकदम साइलेंट हो गई हो, जैसे मतलब क्या हो गया है, समझ में आया कि नहीं आया, एकदम नर्वस हो गए हैं, अरे सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, इधर बोलो भैया, आओ इसको मैं हटा दूं, वर्सेटाइल, वर्सेटाइल स्टेमेन का किस में होगा तो क्या बताओगे, दिमाग में कुछ गया, कुछ नहीं गया सर। फ्लावर की बात करते हैं बच्चों, इसका फ्लावर जो होगा वो होगा, अच्छा
इसका फ्लावर सेसाइल होगा। सर फ्लावर भी सेसाइल, हमने पहले लेक्चर में बताया था कंपोजिटी में, अगर फ्लावर सेसाइल है तो उसमें बताओ पेडिसिल पाया जाएगा कि नहीं। फ्लावर दो टाइप के होते हैं, पेडिसिलेट और सेसाइल। तो बच्चा इसमें अगर मैं बात करूं फ्लावर क्या होगा, सेसाइल। सेसाइल का मतलब होता है पेडिसिल क्या होगा, अब्सेंट। बोलो भैया पेडिसिल क्या होगा, अब्सेंट। उसके बाद अगर मैं सेक्सुअलिटी की बात करूं तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, या इसे मैं बोलना चाहूं अगर तो बेस्ट बोलना चाहूं तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, इसे बोल सकता हूं बाईसेक्सुअल। क्या बोल सकता हूं, बाईसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट को क्या बोल सकता हूं बच्चा, बाईसेक्सुअल बोल सकता हूं, यस। अगर मैं इसकी सिमेट्री की बात करूं बच्चा, सिमेट्री मतलब कितने टाइप के सिमेट्री होते हैं, हर्माफ्रोडाइट मतलब बाईसेक्सुअल, मतलब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही फ्लावर पे होंगे कि नहीं, बोलो यस या नो। सिमेट्री की बात करूं बच्चा तो दो टाइप के सिमेट्री इसमें देखा जा सकता है, ज्यादातर इसमें जाइगोमॉर्फिक देखा जाता है। क्या देखा जाता है, जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेट्रल या रेडियल, बाइलेट्रल। बोलो भैया किसी एक प्लेन से काटने पे दो बराबर भागों बट रहे हैं कि नहीं। उसके बाद अगर मैं बच्चों बात करूं ये कैसे हो सकते हैं, इरेगुलर भी हो सकते हैं। अच्छा वहां इरेगुलर का एक एग्जाम्पल क्या दिया था, चना कन्ना, ठीक है। अच्छा कहां ना कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ सर चलो ठीक है। तो यहां जाइगोमॉर्फिक हो सकते हैं और, अच्छा जाइगोमॉर्फिक क्या क्या एग्जांपल दिया था, पी बीन गुलमोहर केसिया। चलो इधर देखना अब जाइगोमॉर्फिक के एग्जांपल, ब्रैक्टिस में होगा कि नहीं होगा, तो फ्लावर कैसे होंगे, ब्रैक्टिएट। क्या होंगे, ब्रैक्टिएट। अरे बोल भैया पिछला वाला कैसा था, ईब्रेट मारेंगे गिरा के, ईब्रेटियर था, कंपोजिटी इनवोल्यूकर बच्चा, होरलॉ ब्रैक्ट पाया गया था कि नहीं, तो ईब्रेटियट कैसे होगा। चलो इधर उधर क्या इशारा कर रहे हो बच्चों, मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अब मैं लास्ट में बस 5 मिनट का लेक्चर और है, उसके बाद खत्म हो गया, बड़ा जल्दी सर अभी छोड़ेंगे थोड़ी ना। लेकिन चलो इधर देखना, मैंने कहा बच्चा कि ये डॉट जो है मदर एक्सिस है बच्चा, उसके बाद ये देखो सुपीरियर पे लिया। अब ऐसा कुछ होगा नहीं जो आपको ना समझ में आओ, ये क्या है लोडिक्यूल्स मतलब पेरियंथ, ये क्या है बच्चा इंफीरियर पे लिया, गाइनोसियम विथ फेदरी स्टिग्मा, गाइनोसियम विथ फेदरी, ये देखो फेदरी दिखाने के लिए ऐसा दिखाया, फेदरी दो दिखाया स्टिग्मा, एक इधर बोलो ऐसा नो। अच्छा इधर इन्फीरियर पेलिया जिसे क्या बोलते हैं लेमा, और इसी से क्या निकलता है बच्चा ऑन। चलो अगर मैं फ्लोरल फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूं तो बताओ बीआर से स्टार्ट करूं या ईबीआर से, ब्रैक्टिएट की ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट। तो मैं किससे स्टार्ट करूंगा, बीआर से स्टार्ट करूंगा, किससे स्टार्ट करूंगा बच्चा बीआर। अच्छा उसके बाद मैंने कहा बताओ जाइगोमॉर्फिक या एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक परसेंटेज से दिखाएंगे, बोलो यस या नो। अच्छा बताओ गाइनोसियम इंट्रोसियम दोनों पाया जा रहा है कि नहीं, ये देखो स्टेमेन देखो इधर पाया गया कि नहीं, भैया जी बोल दो स्टेमेन पाया गया कि नहीं, तो बाईसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल। कैलिक्स कितने, करोला कितने पता नहीं था, अबे कैलिक्स करोला कहां से आ गया इसमें, कैलिक्स करोला को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, पेरियंथ, और कितने दो, बोलो यस या नो। अच्छा पेरियंथ हो गया, उसके बाद बच्चा अगर मैं बात करूं एंड्रोसियम की बात करूं वो तीन भी हो सकते हैं और बच्चा छह भी हो सकते हैं, गाइनोसियम की बात करूं मोनोकार्पेलरी, याद करो एक कार्पेल एक और सुपीरियर ओवरी, बहुत ही आसान है, बोलो भैया। लेकिन जानते हो ज्यादातर इसके फ्लावर जो होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, किसको छोड़कर, जिया मेज को छोड़कर, जिया मेज मतलब भुट्टा, भुट्टा में मेल वर्जन और फीमेल वर्जन होता है फ्लावर में, मतलब कि फ्लावर जो होता है यूनिसेक्सुअल होता है इसका, इसका फ्लावर जो होता है जिया में इसका वो क्या होता है यूनिसेक्सुअल, ज्यादातर पूरे लगभग बाईसेक्सुअल, लेकिन किसको छोड़कर, इसका एक्सेप्शन क्या, जिया में इसका होता है यूनिसेक्सुअल, क्या होता है यूनिसेक्सुअल। बोलो बच्चा मुंह बनाए बैठे हो यार, तो चलो अब इसका मेल अगर मैं बना रहा हूं तो उसका मैं जा रहा हूं लिखने
फ्लोरल फॉर्मूला ना, इधर देखना क्या लिखूं, बी आर लिखूं कि ना लिखूं, अरे बोलो यार बताओ, मैं जाइगोमॉर्फिक लिखूं क्या ना लिखूं, बताओ मैं बाइसेक्सुअल लिखूं कि ना लिखूं, यस सर नो, बाइसेक्सुअल लिखना है, मेल बोलो यस या नो। अच्छा अब उसके बाद पेरियंथ दो लिखूं कि ना लिखूं, लिख दो सर, ये तीन लिखूं कि ना लिखूं, लिख दो, ये एक लिखूं कि ना लिखूं, लिख दो, ये कैसे एक लिखोगे भाई, गाइनोसियम मतलब फीमेल नहीं है तो यहां जीरो होगा कि नहीं, अच्छा बताओ सुपीरियर या इंफीरियर इंतजार कर रहे थे हम अरे जब होगा ही नहीं तो क्या सुपीरियर और क्या इंफीरियर, अच्छा चलिए फीमेल, फीमेल की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो फीमेल में अगर मैं बात करूंगा तो देखिएगा फीमेल पहले बताओ ब्रैक्ट लिखूं या ना लिखूं, बोलो लिखूं या ना लिखूं, लिख दो, बताओ जाइगोमॉर्फिक बनाऊं या ना बनाऊं, तुम सब काहे नहीं बोल लो भैया, हाँ बना दो, इधर बताओ यहां बाइसेक्सुअल लिख दूं ना लिखो, क्या लिख दूं फीमेल, बताओ यहां पेरियंट टू लिख दूं, लिख दो, एंड्रोसियम तीन लिख दूं, लिख दो, गधे अब देखो फंस गए ना, चिड़िया और मैना और बागुला और कौवा और गधा और इधर, तो एंड्रोसियम कहां से लिखेगा भाई जब यहां पर फीमेल है ना। चलो तो बच्चों भैया एंड्रोसियम गाइनोसियम इंफीरियर या सुपीरियर, डंडा ऊपर डंडा नीचे, क्या गंदी गंदी बात कर रहे हो सर, इधर देखना। अच्छा मैंने कहा बच्चों, मैंने कहा कि चलो अब आओ इसको, इसको क्या करते हैं हम, सुनो सुनो बात नहीं, इसको देखो मैं अगर बात करूं, बताओ समझ में आया कि नहीं, ये कॉमन है बच्चा, और ये जिया मेज के लिए, और जिया मेज में मेल और फीमेल के लिए, बोलो यस या नो, क्या खत्म और क्या मुंह क्या देख रहे हो, खत्म क्या अभी एग्जांपल याद करने भैया, आगे बढ़े आगे बढ़े, बताओ भैया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बताओ इससे हमें फूड मिलता है कि नहीं, सीरियल्स मिलता, सीरियल्स मतलब अनाज मिलता है कि नहीं, अच्छा ट्रिटिकम एस्टिवम ये बताओ इसका किसका साइंटिफिक नाम है, वीट, जिया मेज किसका नाम है, मेज, और आइजा सटाइबा किसका नाम है, राइस, एवीना सटाइबा ओट, या इसे बोलते हैं जई, क्या बोलते हैं जई, ओट या क्या बोलेंगे बच्चा जई, एवीना सटाइबा, हार्डियम, हार्डियम बच्चा वल्गेर, वल्गेर इसको नाम देते हैं, जानते हो किसको, इसको बोलते हैं बारले, क्या बोलते हैं बारले, पारले नहीं बारले, यहीं से हमें लगता पारले नाम आ गया, बारले पी लगा के पारले इधर। चलो बच्चा तो हमारी इतनी बातों से सहमत हो कि नहीं, तो ये सब आपके एग्जाम्पल हैं किसके, ये सब एग्जाम्पल हैं बच्चा, ये सब इसका जौ, जौ भी बोलते हैं बच्चा, बारले को जौ बोल सकते हैं कि नहीं, आप ही सब बताओगे मुझे कुछ नहीं पता है, सुनो बोलो यार, चलो भूख लगी है क्या, हाँ पक्का खिलाओ भैया इनको कुछ ऑर्डर कर रहे हैं अभी, परेशान ना हो। मिलेट्स, मिलेट्स में क्या आता है बच्चा, मिलेट्स मतलब होता है बाजरा, इसमें सोर्गम बल्गेयर, इसका नाम होता है ज्वार, क्या नाम होता है बच्चा ज्वार, सोर्गम वल्गेयर, क्या क्या बोलते हैं इसे ज्वार। उसके बाद पेनिसिटम टाइफाइडियम, इसको खाने से टाइफाइड हो गया नहीं, पेनिसिटम टाइफाइडियम इसका बच्चा इसे बोलते हैं बाजरा, क्या बोलते हैं बाजरा, बड़ा कंफ्यूजन है यार, ज्वार बाजरा जौ जई और पता नहीं फलाना ढिमकाना पता नहीं क्या क्या होता है, हमें सब एक जैसा लगता है। देखो उसके बाद सुगर प्लांट सैक्रम ऑफिस नेरम, सैक्रम ऑफिस नेरम, भैया अगर मैं सैक्रम ऑफिस नेरम पे बात करता हूं तो देखिएगा, अगर मैं इसको बोलते हैं सुगर प्लांट, सुगर केन्स गन्ना, सुगर केन या इसे हिंदी में बोलो गन्ना, सुगर केन। ग्रास में साइनोडॉन डैक्टाइलॉन, साइनोडॉन डैक्टाइलॉन जिसे क्या बोलते हैं ग्रास, क्या बोलते हैं ग्रास,
और ग्रास में भी इसको बोलते हैं बच्चा दूब ग्रास। क्या बोलते हैं? दूब ग्रास कहते हैं ना, दूब, दूब ग्रास। अदर प्लांट में बच्चा आता है सैक्रम मुंजा, गंजा नहीं मुंजा, सैक्रम मुंजा। इसका नाम होता मुंज प्लांट। क्या नाम होता है? मुंज प्लांट। बंबूसा स्पीसीज में बच्चा क्या आएगा? बंबूसा स्पीसीज में बताओ बंबू आएंगे कि नहीं? बोलो भैया यस या नो। अब मेरी सारी बातें हो गई हैं। ये कौन है? हाँ मैं ही। तो बच्चा मेरी सारी बातें उम्मीद करते हैं बेचारे भी देख रहे होंगे, हो सकता है वीडियो अपलोड हो जाए। इधर देखना पीडीएफ, पीडीएफ ये याद दिला। रुक जाओ आराम से, पीछे कर दे, रुक जाओ, पहले पीडीएफ पे से कन्वर्ट करने दो, रिस्क नहीं बच्चा। हाँ पीडीएफ, यस पीडीएफ। क्या लिखना है बच्चा इसमें? ग्रामनी। चलो है, अब तुम हमें सिखाओगे? हम इसे सीख के हम ही सिखाओगे? कहाँ भैया मिलेगा नहीं पीडीएफ? अरे यार इसको तो बंद कर दें, बेचारे देख रहे होंगे, कहेंगे कौन सा टीचर है।